हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। जो एक शहर गवादर है बलूचिस्तान में, वहां पे कुछ चीनी और पाकिस्तानियों के ऊपर सुइसाइड धमाका हुआ और जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। कुछ 2 बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जान चली गई है। बहरहाल, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो चीनी एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और कहा कि जो आप जो मोटरकेड चाइनीज नेशनल्स को ग्वादर में लेके जा रहा था, वहां पे उनके ऊपर जो हुआ, जिसमें जो पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो जो चले गए और एक चाइनीज वर्कर जो है वो इंजर्ड हुआ है, तो उस पर पाकिस्तान को चाइनीज ने कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी अपग्रेड करें, सेफ्टी मेजर्स लें और इंश्योर करें कि ऐसे इंसिडेंट ना हो। ये बड़ी एक गैर मामूली किस्म की प्रेस रिलीज है। गो के ऑब्वियसली पाकिस्तान ने तो 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज की हुई हैं फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो चाइनीज की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए। लेकिन ये जो वाक्या हुआ है, इस पे जो चाइनीज का रद्दअमल आया है वो थोड़ा इसको मैं थोड़ा सख्त समझ लूंगा। ये रद्दअमल आया है और ये चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसने भी इसको टेकअप किया है कि ये हुआ है। नॉर्मली पाकिस्तान को अमरीकी कहा करते थे डू मोर, अभी चाइनीज ने भी कहना शुरू कर दिया डू मोर। और चाइनीज किस तरह हमें डू मोर कह रहे हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के हवाले से जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा उसको ठीक रखा हुआ है और बहुत ज्यादा चाइनीज को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि चाइनीज के ऊपर हमले भी ज्यादा हो रहे हैं, ये कौन हमले कर रहा है। ऑब्वियसली ये भी एक पॉइंट है और इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और इसको इन डेप्थ समझना चाहिए कि ये हमले जो लोग कर रहे हैं उनको, उनके क्या मोटिव्स हैं, वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह करके एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए। तो ये जो था, जैसे ही ये वाकया हुआ जिसमें ये 2 बच्चे जख्मी हुए और एक चाइनीज जख्मी हुआ, इसमें जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसमें एक मजीद ब्रिगेड है, बलोच लिबरेशन आर्मी में मजीद ब्रिगेड जो है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली है। और आपको पता है कि जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एक इंसर्जेंसी इन्होंने शुरू की हुई थी लेकिन वो अपनी दम तोड़ चुकी है, लेकिन ये डिजर्टेड एलिमेंट्स हैं जो भाग रहे हैं। लेकिन एम्बेसी ये कहती है कि आप जो है वो विजिलेंट रहें, पाकिस्तान को सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और गैर जरूरी बाहर ना जाएं, और जो ये एक माहौल है जिसके ऊपर वो अम्बेसी कह रही है बात की जाए। हालांकि अम्बेसी जो है उसको इस बात का पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो चाइनीज के मामले में बड़े सीरियस हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो चाइनीज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन ये चाइनीज ने क्यों कहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डू मोर कह रहे हैं हमें, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी डू मोर कहा जा रहा है। पहली बात है कि चाइनीज जो है वो एक, वो ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू, उनकी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने लोगों को, गो के वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना शोर इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली वो दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो चीन के बारे में एक तासुर है कि भाई अगर चीन में लोग मारे जाएं या जान चली जाए तो चीन उस तरह शोर नहीं डालता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो शायद ये कहना जरूरी ना होगा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, अगर ऐसे वाकयात हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। तो एक तो दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चाइना ये कह रहे हैं। अगर आपको याद हो जो दासू में वाकया हुआ था, और एक और पैटर्न समझने की जरूरत है, मैं आपको वो भी पैटर्न समझाता हूं। दासू का जो वाकया हुआ था उस वाकये में भी चाइना के जो टॉप लीडरशिप है, आई थिंक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं लेकिन चाइनीज प्रीमियर ने कॉल की थी पाकिस्तान में और उनके इंटीरियर के लोग भी हमारे से, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे और बड़ा इफेक्टिव उन्होंने कहा कि जो है वो मेजर्स लिए जाएं। अब हो क्या रहा है,
हो ये रहा है कि एक तो जैसे मैंने इंटरनेशनल बताया, फिर चाइना हमारे बायलैटरल भी देख रहा है, लेकिन एक चीज है जो बड़ी अहम है, जिसको पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान का जो ऑब्वियसली स्टेट का मौकफ है वो तो ये है जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के कमर चीमा बता रहे थे बलूचिस्तान के गवादर शहर में, जो चीन जहां पर एक पोर्ट बना रहा है, इस पोर्ट का मतलब ये होगा कि पाकिस्तानियों के मुताबिक कि ये पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट बन जाएगी, सबसे डीपेस्ट पोर्ट है ये दुबई से बड़ा शहर बन जाएगा गवादर। इस तरीके की कुछ एनालिसिस होते हैं पाकिस्तानी मीडिया में, तो आप समझ सकते हो क्या इनका भेजा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कमर चीमा ने बताया कि वहाँ पर बलूच जो है उन्होंने हमला किया है चीनियों पर और पाकिस्तानियों पर, हालांकि इन्होंने नंबर सही नहीं बताए। अगर आप जाकर देखें, नेट पर सर्च करें, जो ऑफिशियल बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनके वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 चीनी मारे गए हैं और कुछ पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। चीनियों पर हमले बलूचिस्तान, सिंध, KPK और जो गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है यहाँ पर काफ़ी हुए हैं, केवल पंजाब है वहाँ पर चीनियों पर हमले नहीं हुए हैं। दोस्तों, चीनी गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट कदम ले रही है पाकिस्तान पर, और ऐसा कुछ ना हो जाए कि चीनी आर्मी आ जाए पाकिस्तान में, अपने अपने जो क्या कहते हैं, जो उनके वर्कर्स या इंजीनियर हैं या जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन है उनका, उनको सेफ करने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसे माहौल में काम कैसे होगा, आप समझ सकते हो। ऐसे में चीनियों की अगर सुरक्षा नहीं रही सही ढंग से, तो चीनी अपने आप को इनसिक्योर समझेंगे वहाँ पर काम करते हुए, और अगर ये न्यूज़ जैसे जैसे वहाँ के चीनी नागरिकों पर फैलेगी तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली वो कहेंगे कि यहाँ तो हमें हमेशा एक जेट सिक्योरिटी या जो भी उनके टर्म्स हैं वहाँ पर उस माहौल में रहना पड़ रहा है, हम यहाँ पर फ्रीली काम नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अगर इस तरीके का कुछ वहाँ पर होता है तो। दोस्तों, ये सिचुएशन में पाकिस्तान में जो CPEC का काम चल रहा है वो कैसे अच्छे से होगा। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कमर चीमा इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान मीडिया में बैठकर इंडिया को ही ब्लेम करते हैं। और ये पाकिस्तान में आपको बता दूँ कि छोटी से छोटी कोई चीज़ होती है, लाहौर में अगर कुछ भी हुआ, ट्रांसफार्मर फटा, अगर पता ना चले तो वो इंडिया को ब्लेम कर देते हैं। इस तरीके की हरकतें हैं पाकिस्तानियों की। अब तालिबान आ गया अफगानिस्तान से, मतलब पहले इनका रहता था कि अफगानिस्तान का यूज़ करके ये हम पर हमले करते हैं, अब तो तालिबान आ गया वहाँ पे, वहाँ की करंट गवर्नमेंट है, इंडिया सब कुछ ख़त्म। तो अब अगर वहाँ से हमले हुए तो इंडिया को ब्लेम मत करना, लेकिन ये पाकिस्तानी है, ये आदत से मजबूर है हर चीज़ में। अभी जो मुहर्रम हुआ है, मुहर्रम में वहाँ पर सियाओं पर इतने अटैक्स हुए हैं, इतने ज़्यादा अटैक्स हुए हैं कि आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया ने उन चीज़ों को कवर भी नहीं किया है। भागलपुर, सिंध में, हैदराबाद, कराची, इन जगहों पर सियाओं पर अटैक हुए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल शांत रहा है। तो दोस्तों, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, उन सियाओं पर हमला होता है, उसका मेन रीज़न है जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट मौलाना है वो सियाओं को काफिर डिक्लेयर करते हैं, उस वजह से आप समझ जाएं तो वो अटैक होता है और ये इंडिया को ब्लेम करते हैं, तो इनका ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।